गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्वेता पुरोहित फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी इन बेसिक पीजी कॉलेज। आज मैं आप सभी का हमारे वर्चुअल प्रैक्टिकल वेबिनार के डे फोर्थ में स्वागत करती हूँ। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के टॉपिक निक्टेंथिस के की स्टैम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। निक्टेंथिस को हम ट्री ऑफ सोरो, हर सिंहार या फिर सेफालिका भी कहते हैं। स्टैम का टीएस कट करने के लिए हमें तीन बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, हमने जो मटेरियल लिया है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। सेकंड, हमें बिल्कुल न्यू ब्लेड का इस्तेमाल करना है। एंड थर्ड, इसके स्टैम को कट करने के लिए हमें इसको स्लाइटली तिरछा रखना है। जैसा कि आप उसमें देख सकते हो, हमने ये एक बहुत ही फाइन सेक्शन को कट किया है। यहाँ ये आपको इसकी स्ट्रक्चर, इसमें भी आप ध्यान से देखिए तो कुछ कुछ दिखाई दे रही है। और थोड़ी नहीं गया, जो सबसे फाइनेस्ट सेक्शन कट किया है, इसको हम सबसे पहले सेफ्रनिन में स्टेन करेंगे। देन इसको वाटर से वॉश करेंगे, इसको फास्ट ग्रीन से स्टेन करेंगे। देन इसे फिर से प्लेन वाटर से वॉश करेंगे। देन इसे हम अपनी स्लाइड पर लेंगे। देन इसे ग्लिसरीन से माउंट करेंगे। देन इसमें हम निडल की सहायता से कवर स्लिप लगाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पे हमने कवर स्लिप लगा दी है। हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी एयर बबल नहीं आए और ग्लिसरीन जो है वो भी स्लाइड से ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए, इस कवर स्लिप से बाहर नहीं जाना चाहिए। देन हम माइक्रोस्कोप में इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है वो हमें दिखाई दे रही है। निक्टेंथिस के स्टैम की माइक्रोस्कोपिक व्यू देखने से पहले हम उसके स्टैम के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। निक्टेंथिस का स्टैम जो है, अगर हम इसका सेक्शन कट करते हैं तो ये हमें आयताकार दिखाई देता है और इसके चारों कोने जो होते हैं वो उभरे हुए होते हैं, ठीक है। इसके चारों कोनों में कॉर्टिकल बंडल पाए जाते हैं। ये इसके स्टैम की बहुत ही स्पेशल बात है। इसमें क्या होता है, बाहर की तरफ क्यूटिकल होती है और उसके अंदर क्या होता है, एपिडर्मिस की एक सिंगल लेयर पाई जाती है। इसमें बाहर मल्टीसेलुलर हेयर्स भी पाए जाते हैं। देन इसमें कॉर्टेक्स में कॉर्टिकल बंडल प्रेजेंट होते हैं। एंडोडर्मिस जो होती है उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं पाई जाती, उसके स्थान पर एंडोडर्मिस की कोशिकाओं में स्टार्च के कण पाए जाते हैं। दैट्स व्हाई उसे हम स्टार्च शीथ कहते हैं। देन इसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी पाई जाती है। यहाँ आप देखेंगे बाहर की तरफ प्राइमरी जाइलम है, फिर उसके बाद में अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम है। देन इन दोनों के बीच में नहीं, फिर उसके अंदर की तरफ कैम्बियम है। देन आगे ये अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें यूं तो ये बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम है और अंदर की तरफ प्राइमरी फ्लोएम है, और बीच में क्या है, ये एक बहुत बड़ी पिथ पाई जाती है। अगर इसके सेलुलर डायग्राम के बारे में बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि बाहर की तरफ मोटी क्यूटिकल के लेयर प्रेजेंट है, देन एपिडर्मिस के लेयर प्रेजेंट है। देन इसके कॉर्टेक्स के बारे में बात करें तो वो दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है, बाहर कॉलेनकाइमा सेल्स और अंदर की तरफ पैरेन्काइमा सेल्स। देन कॉर्टेक्स में क्या होते हैं, स्पेसिफिक टाइप के वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं जिन्हें कि हम कॉर्टिकल बंडल कहते हैं। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये कॉर्टिकल बंडल इन्वर्टेड होते हैं, विच मीन्स नॉर्मली हमें पता है कि भाई जाइलम जो होता है वो वैस्कुलर बंडल में अंदर की तरफ होता है, फ्लोएम जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। लेकिन इनमें अगर आप देखेंगे तो जाइलम जो है वो बाहर की तरफ दिखाई देगा एंड फ्लोएम जो है वो अंदर की तरफ दिखाई देगा, और इनके बीच में क्या होंगे, कैम्बियम प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कॉन्जॉइंट कोलेटरल एक्सार्क ओपन वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, जो कि कैसे होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं। होता क्या है कि निक्टेंथिस का जो स्टैम है उसमें नीचे वाला नोड जो है वहाँ से क्या होते हैं, लीफ ट्रेस निकलते हैं। ये जो कॉर्टिकल बंडल आप देख रहे हैं ये वास्तविक वेस्कुलर बंडल नहीं है, ये लीफ ट्रेस है। होता क्या है कि निक्टेंथिस के स्टैम में जो नीचे वाला नोड है उससे लीफ ट्रेस निकलते हैं,
वो कहाँ जाते हैं, ऊपर वाले नोड की तरफ जाते हैं। तो बीच में क्या आता है, इंटरनोड आता है। जब वो उस इंटरनोड से क्रॉस होकर गुजर रहे होते हैं तब वो क्या करते हैं, इन्वर्टेड हो जाते हैं। उस इंटरनोड में उनकी पोजीशन क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। दैट्स व्हाई हमें ये इस तरह से दिखाई देते हैं। देन कॉर्टेक्स के बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ आपको स्टार्ट शीट दिखाई देगी। इसमें क्या है, एंडोडर्मिस की कोशिकाएं जो होती हैं उनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं होती, स्टार्च के कण पाए जाते हैं। देन अगर आप देखेंगे तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी है। यहाँ आपको बाहर की तरफ प्राइमरी फ्लोएम दिखाई देगा, देन सेकेंडरी फ्लोएम दिखाई देगा, देन उनके बीच में कैम्बियम दिखाई देगी, देन सेकेंडरी जाइलम एंड प्राइमरी जाइलम दिखाई देंगे। यहाँ देखिए प्रोटोजाइलम जो है वो अंदर की तरफ होते हैं, दैट्स वाई इस कंडीशन को हम एंडार्क कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। और अंदर की तरफ क्या पाया जाता है, फिथ पाया जाता है। अगर हम वेस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करें कि भाई प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू जो होता है वो कैसा होता है, उसकी पोजीशन क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू जो है वो कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, एंडार्क एंड ओपन होते हैं। एंडार्क का मतलब है प्रोटोजाइलम जो है वो अंदर की तरफ, और ओपन का मतलब है कैम्बियम जो होती है वो इनके बीच में प्रेजेंट होती है। तो ये है निक्टेंथिस के स्टेम की स्ट्रक्चर। इसका जो आगे वाला व्यू है वो हम माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे। आई होप आज के इस प्रैक्टिकल से आपको निक्टेंथिस के स्टैम की एनाटॉमी जो है वो क्लियर हुई होगी। थैंक यू।